हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू के रीडिंग टाइम में दो न्यूज़ एक साथ लेकर के आए हैं। पहली है मोदी बाइडेन टू टॉक ऑन यूक्रेन वॉर इंडो पैसिफिक सिचुएशन। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बात की है यूक्रेन वॉर को लेकर के और इंडो पैसिफिक सिचुएशन के बारे में भी बात की है कि इंडो पैसिफिक सिचुएशन क्या है ओशियन की। तो यहाँ पर है कि द इम्पैक्ट ऑफ वार विल बी ए प्रायोरिटी कन्वर्सेशन ड्यूरिंग मोदीज विजिट टू द यूएस फ्रॉम जून 20। मतलब जो जून 20 को विजिट करने वाले हैं मोदी जी, वो इस पे बात करेंगे। द वॉर इन यूक्रेन इज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द मेजर टॉकिंग पॉइंट्स व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नेक्स्ट वीक इन वॉशिंगटन। नेक्स्ट वीक कहाँ जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी हमारे? वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए जाने वाले हैं। देखो, अभी एक न्यूज़ और हमने डिस्कस की थी, जो चिप मेकर जो कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी यूएसए की, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी 1 बिलियन से 2 बिलियन तक। और किसके लिए करेगी? वो चिप पैकेजिंग के लिए। उसमें भी ये बात बोली गई थी कि मोदी जी जो हैं वो नेक्स्ट वीक कहाँ जा रहे हैं? वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए की विजिट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है। अ सोर्स सेड द यूक्रेन वॉर वाज प्रायोरिटी कन्वर्सेशन। मतलब यहाँ पर जो मेन बात रहेगी, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? यूक्रेन वार का। एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड मिस्टर मोदी टू नेशन विजिट कवरिंग द यूएस एंड इजिप्ट। मतलब 2022-25 जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर प्रसाद जी ने बोला है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो 20 से 25 तक दो कंट्रीज़ का विजिट करेंगे। फर्स्ट तो वो वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए का करेंगे, सेकंड वो इजिप्ट का करेंगे। द रसिया यूक्रेन वार स्पेशली द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विल डेफिनेटली बी ए प्रायोरिटी कन्वर्सेशन फ्रॉम अवर साइड। मतलब जो रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, स्पेशली उसके इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विल डेफिनेटली बी ए प्रायोरिटी। ये हमारी मतलब बोला गया है कि ये हमारी मुख्य मतलब प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता इसको दी जानी चाहिए और इस पर कन्वर्सेशन भी किया जाना चाहिए। जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? शेड ए हाई लेवल सोर्स प्रीवी टू द डिटेल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्ट्रल विजिट, इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ न्यूट्रल पोजिशन ओवर द वॉर इन यूक्रेन एंड हैज़ टेकन एनर्जी टाइज विद रसिया टू एन अनप्रोसीडेंटेड लेवल डिस्पाइट स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द G7 कंट्रीज। इंडिया हैज़ बीन मेंटेनिंग द वॉर हैज़ जनरेटेड अ कमोडिटीज क्राइसिस इम्पैक्टिंग एनर्जी एंड फर्टिलाइजर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, द इंडो पैसिफिक एंड चैलेंजेस फेसिंग द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया, जनरेटेड कमोडिटीज़ क्राइसिस इम्पैक्टिंग, एक कमोडिटीज़ जो प्राइसेस है क्राइसिस है उस पर भी इम्पैक्ट होगा, एनर्जी एंड फर्टिलाइजर्स पे, दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये जो कि ये ग्लोबल यानी वैश्विक तरीके से सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। द इंडो पैसिफिक एंड चैलेंजेस फेसिंग, और इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके फेसिंग द कंट्रीज ऑफ द रीजन आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूडेड इन द डिस्कशन। और जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं वो इसका क्या मतलब कैसा इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा है, क्या क्या वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैसी उनकी सिचुएशन है, ये डिस्कशन का भी एक वहाँ पे पॉइंट रहेगा। अ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिट विल बी द फोकस ऑन फाइन टर्निंग द अमेरिकन रेगुलेटरी सिस्टम टू टर्न इट इंटू एन इन ब्लेयर ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI, हाई पावर कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग दैट आर पार्ट ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ टेक्नोलॉजी। द आई
CET, US India Incentive and Critical and Emerging Technology is expected to serve a similar role for the Indian economy. इन सब चीज़ों का भी रोल है किसमें, इंडियन इकोनॉमी में। तो इस पे यहाँ पर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन जी मिलेंगे तो वो लोग इस पे बात करेंगे। एक तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उन पे बात करेंगे, या जो वहाँ पे कंट्री हैं और उस पे क्या यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ मेज़र हमारे एरिया है, जैसे लाइक फर्टिलाइज़र है, टेक्नोलॉजी है, अदर चीज़ें भी हैं, तो उन पर भी काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस बार भी बात वो लोग करेंगे। और नेक्स्ट है कि 20 से 25 तक जो विज़िट होने वाली है उसमें दो जगह का हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी विज़िट करेंगे। फर्स्ट तो USA करेंगे, USA की राजधानी Washington DC जाएंगे, और दूसरा इजिप्ट की कैपिटल है मिस्र। देखिए, एक बार आप लोग मैप में इंडो पैसिफिक रीजन ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सा कंट्री आ रहा है, या कौन कौन सा आपका कंट्री के साथ में आपका ये एशिया आ रहा है, यूरोप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। कॉन्टिनेंट भी एक बार देख लीजिए, कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे ना तो आपको बहुत ही इजी होगा, है ना। तो जैसे पैसिफिक ओशियन, इंडो पैसिफिक ओशियन की क्या एरिया है, कहाँ क्या एरिया नहीं है, तो इन सब चीज़ों को देखिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ये वार हो रहा है इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा ट्रेड पे पड़ रहा है ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। किस कंट्री में किस किस कंट्री से क्या ट्रेड हो रहा था, कहाँ से चीज़ें कहाँ जा रही थी, तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है। एजुकेशन सेक्टर पे भी इसका असर पड़ा है, ट्रेड पे भी पड़ा है, साथ साथ में इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों के सामने। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिए। फिर है PM टर्न्स इनटू म्यूजिकल एफर्ट्स टू प्रमोट यूज़ ऑफ मिलेट्स। PM जी हमारे जो हैं उन्होंने मिलेट्स को प्रमोट किया है। अब मिलेट्स इस बार बताया गया, जनरल असेंबली में भी मिलेट्स पे बात हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कोलाबरेटेड विद ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह फॉर ए स्पेशल सॉन्ग टू प्रमोट द बेनिफिट ऑफ मिलेट एंड देयर पोटेंशियल टू एलिविएट वर्ल्ड हंगर। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे, कोलाबरेटेड विद ग्रैमी अवार्ड, उन्होंने किसके साथ कोलाबोरेशन किया है तो ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर, जो इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं फाल्गुनी शाह, उनको मिला है कौन सा ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन फॉर ए स्पेशल सॉन्ग। उन्होंने एक स्पेशल सॉन्ग गाया है। क्या है गाना, उन्होंने इसमें क्या बोला है, टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट, उसमें मिलेट्स को प्रमोट किया है, उसके बेनिफिट को बताया है, एंड देयर पोटेंशियल टू एलिवेट वर्ल्ड हंगर, और उसके साथ में क्या क्या है, पोटेंशियल टू एलिवेट वर्ल्ड हंगर, है ना, और वर्ल्ड हंगर के बारे में भी, जो विश्व भुखमरी है। द अवॉर्डेंस इन मिलेट सॉन्ग परफॉर्म्ड बाई सिंगर सॉन्ग राइटर फाल्गुनी शाह एंड हर हस्बैंड एंड सिंगर गौरव शाह, हिज सेट फॉर रिलीज ऑन June 16 अक्रॉस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। द ईयर 2023 हैज़ बीन डेजिनेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट आफ्टर ए प्रपोजल वॉज ब्रॉट अप इंडिया एंड इंडोर्स्ड बाई मेम्बर ऑफ द UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडीज। द सॉन्ग विल बी रिलीज्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड ट्रांसलेटेड इन टू अदर रीजनल लैंग्वेज, MS शाह सेड। जो ये अभी जो गाना आया है तो ये तो आया है आपका हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन जल्द ही इसको सभी रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है, और ये फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौरव शाह के द्वारा गाना गाया गया है। मतलब गौरव शाह उसके सिंगर हैं और राइटर, और जो हैं वो फाल्गुनी शाह हैं, सिंगर राइटर दोनों। और ये जो अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर वो मिला है, ठीक है। तो इसमें मेन बात ये है कि इस बार का जो ग्रैमी अवार्ड जो है वो किसे मिला है, तो फाल्गुनी शाह को मिला है। साथ में इसको, इस गाने में, इस गाने का क्या टाइटल था, तो टू प्रमोट मिलेट, है ना, एंड
टू प्रमोट मिलेट एंड यूज़ ऑफ मिलेट्स, है ना। तो ये इसमें बोला गया या बेनिफिशियल ऑफ मिलेट्स एंड देयर पोटेंशियल टू एलिवेट वर्ल्ड हंगर, है ना। तो ये इसमें बताया गया। तो नेक्स्ट जो है वो हम जल्दी लेकर के आएंगे, नेक्स्ट भी इसमें न्यूज़ लेकर के आएंगे रीडिंग टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू।